my name is umair mir uh, i am chairman of sports committee director of air sial and ex executive member of uh, sial Court chamber of uh, commerce and thank you so much sahib ikram you are always here and you are here today for my interview and my for my reviews to share for my business exporters and my friends and brothers and sisters uh, i'll एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू माई लीडरशिप एंड माई प्रेजिडेंट ऑफ़ चैम्बर में मैं स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन बनाऊँ एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने सियालकोट के जो एक्सपोर्टर हैं जो बिज़नेस कम्यूनिटी है मैं उनके लिए और सियालकोट के लिए काम कर सकूँ और उसे इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करा सकूँ और स्पोर्ट्स कमेटी का एज अ चेयरमैन आज ही मैं बैठा इसके बारे में प्लान कर रहा था और मैंने इसके मेंबर्स को भी आज बैठ के मैंने प्लान किया कि कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए और किस तरह होना चाहिए मैं लास्ट टाइम भी इस कमेटी का चेयरमैन था और हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एफ़र्ट की और मेरे ख्याल से यहाँ पर लोगों के माइंड में ये है कि हम आ, कमेटी का आ, को ज्वाइन कर लें और उसको एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट काम ना कर सकें पर मेरा मेरा ज़ाती तौर पर हाल है मैं एग्जैक्टिव मेंबर भी रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन पहले भी रहा हूँ अब भी अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मौका मिला मैं चाहता हूँ कि इस कमेटी में मेंज़ अ एस एक्टिव ऐसे पार्टिसपेंट्स आएँ जो सियालकोट के लिए हमारी बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए और चैम्बर के लिए एक्टिवली काम करें और जो हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मसले और दरपेश हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम उसको दूर कर सकें और बिजनेस कम्युनिटी को एक अच्छा तोहफ़ा एज अ गिफ्ट हम उनको करें कि पता चले सियालकोट चैम्बर का तो वैसे भी माशाल्लाह पूरे नाम है सियालकोट इंडस्ट्री का उसने अपनी मदद आपके तहत इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस भी कराया जो आ, फिंगर्स पे गिने जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे तो मैं चाहता हूँ कि इस कमेटी में ऐसे मेंबर्स आएँ जो काम करें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए जो हम चैम्बर की तरफ से तोहफ़ा दें सियालकोट इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कि इन्होंने एक्टिवली पार्टी के चेयरमैन होने के नाते जो स्पोर्ट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी जो मेरे नज़दीक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे ऐसी लेबॉट्रीज नहीं हैं यहाँ पे फंड्स का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे अगर हम इंडिया और चाइना को देखें और बाकी रशिया वगैरह को और सम इस तरह दूसरी कंट्रीज़ को हम लोग देखें तो हम देखते हैं दे आर फार बेटर देन आवर कंट्री मे बी इट्स अ कॉज़ ऑफ़ पॉलिटिकल थिंग्स और समथिंग लाइक दैट यू यू कैन से बट मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हमें खुद जिस तरह हमने अपनी मदद आपके तहत चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है तो हमें चाहिए कि जो पा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे मैंने बोला फंड्स का प्रॉब्लम आ जाता है जो मशीनरी है हम यहाँ पे वही पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पर वही आज भी पुरानी तरीकाकार को चलाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो वर्क फ़ोर्स है उसकी भी कमी है स्किल्ड वर्क फोर्स मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे स्किल्ड फोर्स, वर्क फोर्स की भी कमी है जदीद मशीनों से हम लोग उस तरह से डिवेलपमेंट्स नहीं कर पा रहे तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है और मैं इस तरह चाहूँगा कि इन चीज़ों की तरफ खास तो दें और चैम्बर भी इन चीज़ों की तरफ तो दें ताकि हम स्पोर्ट इंडस्ट्री को जो है ये बेहतर तो हो रही है इसको हम और बेहतर कर सकते हैं और हम हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी का मेजर जो शेयर है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर है और इससे इतने लोगों का करेंसी स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में ना चाहे वो आप डॉलर कह लें आ इधर पाउंड कह लें या आप दिरहम्स में कह लें बेसिकली वी य मेजर एक्सपोर्ट इन अमेरिका ऑलमोस्ट थर्टी फाइव ईयरस अगो एज अजनस मैन मैनी पीपल और आस्किंग मी डॉलर रेट इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली योर एक्सपोर्ट विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड यू आर योर बिजनेस इज गोइंग इन अ प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट दैन देन आई वुड लाइक टू आस्क हिम हाउ यू कैन से माई एक्सपोर्ट इज़ इंक्रीजिंग और आई एम गोइंग इन अ प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट तो मैं इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं पर आपकी डॉलर रेट ऑफकोर्स हमारी पेमेंट्स आती हैं डॉलर में तो जाहिर सी बात है वो ठीक है मेजर शेयर और समथिंग लाइक दैट है मगर आप ये भी तो देखें कि जो आप चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं उनका भी तो रेट बढ़ गया ना आपकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी आपका पैसा उतना ही लग रहा है तो यहाँ पे इन चीज़ों को सबको मैनेज करने की ज़रूरत है यहाँ पे ऐसी और प्लस हमें फैब्रिकेशन की इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आप लोगों को बयान ही नहीं कर सकता जब तक आप कोई नई डिफरेंट चीज़ नहीं, चीज नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे तब तक आप कैसे मार्केट में इन रहेंगे चाहे वो ब्रांडिंग है चाहे वो बिज़नेस है चाहे वो कोई भी चीज़ है बिज़नेस से रिलेटेड तो यहाँ पे ना ऐसा कोई सोर्स है कि हम नई फैब्रिकेशन ज़रूर लेबॉर्ट्रीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं मगर हमें एक ऐसे इदारे के क़्याम की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपना लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी के फैब्रिक्स को हम डेवलप कर सकें ताकि हमें बाहर जो हमारा टाइम वेस्ट होता है कपड़ा ऑर्डर करने लेके आने में या जाने में या देखने में हम इन चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकें ताकि एक तो टाइम आप बाहर के मुल्क में चले जाएं ठीक है आप चाइना ही चले जाएं आप देखें कि वो टाइम मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल करते हैं वर्क फोर्स को कितना किस तरह कंट्रोल करते हैं मैं आई थिंक इन 2014 आई वाज इन शंघाई आई हैव विजिटेड अ फैक्ट्री ऑफ शंघाई आई गेस इट इट वाज अ ब्लेडर और फुटबॉल फैक्ट्री आई डोंट नो डिडेंट रिमेंबर अबाउट दैट बट वेन आई वॉज विजिटिंग दैट फैक्ट्री एंड आई हैव सीन द मेजर थिंग इज़ दैट पीपल हु आर वर्किंग देयर नो बडी इज़ वॉचिंग ऑल ऑफ दैम और डूइंग द अदर वर्क दे आर कैलकुलेटिंग देर टाइम द टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आई हैव सीन दैट टाइम तो वही चीज़ हमने अपनी फैक्ट्री में भी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की कि जो टाइम मैनेजमेंट है अगर वो हम उसका एहसास कर लें तो जितनी ये चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आती हैं या डिलेज हो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ये भी प्रॉब्लम बड़ी आ रही है कि हमें mostly people are working uh, in America and the most the 50% परसेंट uh, our businessmen are working in Europe. so सो वैन यू आर वर्किंग इन यूरोप द मेजर प्रॉब्लम इज़ द सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई नहीं वहाँ पे यूरोप में सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और क्वालिटी का अमेरिका में ये चीज़ें इतनी शायद नहीं देखी जाती मगर जो यूरोप में सर्टिफिकेशन का लाइक आप कोई चीज़ डिवेल्प करते हैं या नई चीज़ डिवेलप करते हैं कि उसकी सर्टिफिक यहाँ पे वो इदारे ही नहीं हैं यहाँ पे वो ऐसा कोई निज़ाम अमल में ही नहीं लाया गया कि आप जाएँ कोर्ट में आप 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 लेबॉर्ट्रीज हो सकता हूँ मगर मैं चाह मे, मेरे माइंड में है कि आप एक ऐसी लिबॉट्री का क्या अमल में लाएँ जिसे इंटरनेशनल लेवल की अथॉर्टिज़ हों जिसकी जिसके स्टैम्प पे आप जब वो करें तो आप कहीं भी कोई एक चीज़ एक्सपोर्ट करें तो आपको कोई वो रोकने वाला ना हो ना कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से बिज़नेस कम्यूनिटी को ये प्रॉब्लम आती है और ये उनके घर बैठे ही हाथ ये भी बात करना चाहूँगा कि मतलब हम जो हमारे फोर फादर्स ने सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू माई फोर फादर्स एंड द ऑल ओवर ऑफ़ बिज़नेस कम्यूनिटी दोज हु वर्क हार्ड फॉर सियालकोट इंडस्ट्री और जिनकी एफ़र्ट्स सियालकोट में नज़र भी आती हैं Uh, तो मैं मगर अब टाइम है टेक्नोलॉजी का अब टाइम है कि आपने अपनी प्रोडक्शन को कैसे स्पीड अप करना है कैसे वो जो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो कितने कम टाइम में और कितनी ज़्यादा बन सकती है दैट इज़ यू कैन से द न्यू जनरेशन दैट इज़ यू कैन से न्यू एरा देट इज़ यू कैन से द न्यू टेक्नोलॉजी हाँ अब इस चीज़ का ज़माना है कि आपने कम टाइम में अपनी प्रोडक्ट कैसे तैयार करनी है और कितनी ज़्यादा तैयार करनी है और हम मैं चाहता हूँ कि हम हम सारी जो यंग जनरेशन है या जो भी है हमने जो नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं हम इस चीज़ के ऊपर काम करें और इस इसके ऊपर काम करके हम अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ज़्यादा बेहतर बनाए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा है ना दैट इज़ वेरी वीक इन पाकिस्तान तो हम यहाँ पर ना हम उस तरह से चाहे हम अपनी फैक्ट्रीज़ uh, कह लें या कुछ भी कह लें uh, मेरा ख्याल है कि जो रिसर्च और डिवेलपमेंट पर जितना बाहर काम हो रहा ना हमारा उतना भी नहीं मतलब आप नायकी देख लें एडिडास देख लें वो कितनी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करें देव अ प्लेंटी ऑफ डिज़ाइनर्स

और मैं गुज़ारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि इन छोटे छोड़ छोटे इशूज़ के ऊपर तोजो दें और हम अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है चाहे वो फ़ुटबॉल की इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है मार्शल आर्ट्स की इंडस्ट्री है सर्जिकल की इंडस्ट्री है इनको हम और बेहतर बनाएं और सियालकोट का नाम उसी तरह रोशन करें जिस तरह हमारे फोर फादर्स ने किया थैंक यू सो मच